आप सभी को आज के दिवस पर इस कार्यक्रम में स्वागत है दरअसल इस प्रोग्राम के पीछे की पटकथा यह है कि अगले रविवार को जब 4 अक्टूबर हो रहा होगा तो देश के बहुत सारे प्रतियोगी लाखों में सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 में जूझ रहे होंगे एक हफ्ता रह गया ये जैसे पूर्व संध्या पर कह सकते हैं तो एक सप्ताह पहले कि ये व्यथा और कथा है विगत अठारह वर्षों का ये तजुर्बा और अपनी तैयारी के दिनों में जो बहुत सारे तजुर्बे कहते ना कि गलती करो और सीखो वाले तजुर्बे और दूसरों की गलतियों से सीख कर जाने वाले तजुर्बे तो जनरली मैं ऐसा समझता हूँ कि लोगों के पास समय कम है सुविधाएं ज़्यादा हैं एक दौर था जब सुविधाएं कम थी शायद इसलिए बहुत समय लगते थे आपको याद दिलाऊं कि जब हम लोग आई एस टॉपर की बात करते थे तो 21-22 साल के या 23 साल के स्टूडेंट्स की काम कम बात करते थे हो जाते थे मैं ये नहीं कह रहा हूँ लेकिन ऐसी संभावनाएं कम रहती थी उनतीस साल तक के भी आई एस टॉपर हालांकि ऐसा भी नहीं कहा जाता कि उनतीस तीस साल वाले टॉप करेंगे बट उस समय ऐसा भी रिजल्ट होता था जब उनतीस साल में लोग टॉप किए जबकि जनरली उनतीस साल में सेलेक्ट हो जाए बड़ी बात हो जाती है लेकिन टॉपर हमेशा छब्बीस सताईस पच्चीस ऐसे भी लेकिन अब तो बाईस बाईस साल के टॉपर भी होते हैं समय कम लगता है समय कम इसलिए लगता है क्योंकि सुविधा अधिक हो गई रेडीमेड नोट्स मिल जाते हैं कोचिंगें बहुत मेहनत कर रही हैं क्वेश्चन पेपर बनाएंगे नोट्स बनाएंगे आपके हिस्से का काम हम जैसे लोग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि चुनौती बढ़ी है बट साथ साथ सुविधाएं भी बढ़ गई तो प्रतियोगिता में समय कम लगना चाहिए यही हिसाब निकल के आता है क्योंकि बाईस अभी इसी बार का रिजल्ट देख लीजिए जिस तरीके से आ, रिजल्ट आया है चार अगस्त को शायद 2019 वाला जो रिज़ल्ट है उसमें आप देखेंगे तो बड़े मतलब 23 24 22 के रेंज में काफ़ी सफलता है तो इसका मतलब है कि समय कम लग रहा है और सुविधा बढ़ी हुई है तो स्टूडेंट को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि दूसरे जो काम कर रहे हैं उसका आप लाभ उठाएं कुछ काम आप जो आपके हिस्से का दूसरे कर रहे हैं उसका लाभ उठा लीजिए और जो काम आपको ही करना है वो करिए अब परीक्षा तो आप ही देंगे कहते हैं ना कि चेक बैंक वाला देगा चेक बुक लेकिन सिग्नेचर आप ही का होगा सिग्नेचर आप ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते कि साहब हम तो कहीं जा रहे हैं आप ट्रांस आप कर देना वैसे ही पढ़ाई हम करा सकते हैं पढ़ाई स्वयं कर सकते हैं पढ़ाई हमारी जैसे संस्था चलाने वाले बहुत सारे लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं लेकिन पढ़ना आपको है परीक्षा आप ही को देना है फिलहाल इन बातों के साथ मैं 4 अक्टूबर के मद्देनज़र हालांकि इस पर परीक्षा होगी नहीं होगी 28 तारीख को मैंने सुना है कि अभी इसमें सुनवाई भी होनी है इसके पहले की डेट लगी हुई है आगे कोरोना का भीषण प्रारूप और स्वरूप आप देख रहे हैं इस बीच में कई विद्यार्थी में भय डर सब चीज़ें चल रहा होगा साथ में परीक्षा का जीतोड़ अपना जो तौर तरीका वो भी चल रहा होगा चार अक्टूबर को जो एग्ज़ाम है आ, मुझे ये सिलेबस नहीं बताना है मुझे आपको तौर तरीका नहीं बताना है अब आप एक हफ्ते में जो मर्जी सो करिए पढ़ चुके हैं तब भी पढ़ना है तो पढ़िए नहीं पढ़े हैं तब भी न पढ़ना हो या पढ़ना हो तो भी करिए क्योंकि एक हफ़्ते में बहुत कुछ होता नहीं है और एक हफ्ते में बहुत कुछ बिगड़ता नहीं है लेकिन क्रूशियल होता है तनाव भी देता है और दबाव भी देता है बनता बहुत कुछ नहीं बिगड़ता बहुत कुछ नहीं लेकिन एक चीज़ होता है कि तनाव भी आता है और दबाव भी आता है तनाव से मुक्ति के लिए जो पढ़े हैं उसमें संतुलन स्थापित करें और दबाव से मुक्ति के लिए जो ऊर्जा है उसको बेजा इस्तेमाल करने के बजाय या इधर उधर बहकाने के बजाय सिंपली दोहराने में इस्तेमाल करें कई लोग होते हैं कि ऐसे भी, ऐसे दौर में नया विषय उठा लेते हैं मैं कतई इसके इसको समर्थन नहीं करूँगा आपने अगर भारतीय इतिहास में कोई पक्ष छूट गया है तो छोड़ दीजिए भारतीय अर्थव्यवस्था में भी कोई पक्ष छूट गया छोड़ दीजिए जो पक्ष पढ़े हैं उसी को पोख्ता कर लीजिए दबाव कम हो जाएगा अच्छी चीज़ मतलब अकॉर्डिंग टू कॉम्पटिशन कर लीजिए तनाव कम हो जाएगा जो पढ़े हैं उस पर ही लगी रही है दबाव कम हो जाएगा और इससे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो एग्ज़ाम में दो घंटे का प्रेशर झेलना कई प्रतियोगी इसमें कई बार दे रहे होंगे परीक्षा वो गलती करके सीख सकते हैं लेकिन जो लोग पहली बार जा रहे हैं वो दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं जो क्वेश्चन आप अच्छी तरह जानते हैं सौ क्वेश्चन और एक सौ बीस मिनट सवा मिनट में एक क्वेश्चन का आपको ऑलमोस्ट जवाब देना है और उसको कभी बड़ा क्वेश्चन है तो ज़्यादा टाइम लेता है छोटा है आधा मिनट में आ गया ऑन एन एवरेज यही निकलता है और सबका जवाब आपको देना नहीं है जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा आप उसको ऐसे गोला मारिए निकल जाइए और जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा उसको क्रॉस मारिए निकल जाइए क्रॉस क्वेश्चन पर आना नहीं है गोले पर एक बार विमर्श करना है और जो क्वेश्चन सही हो रहा है उसको टिक मारिए और निकल जाइए तीन काम करिए सही है तो सही है कन्फ्यूजन है तो सर्किल है यानी अभी इसमें गोल गोल घूमेंगे और अगर आपको लगता है कि यह अछूत है कोरोना की तरह दो गज की दूरी इससे बना लेना है इसमें कोई दम नहीं है समय व्यर्थ करना उसको क्रॉस करो कि आखिर में भी इसमें नहीं उलझेंगे ठीक है जो सर्किल वाला है जो कन्फर्म है वो तो है कन्फर्म गिन लीजिए एक दफ़ा ऐसा नज़र डाल सकते हैं एक मिनट लगता है यार कितना टाइम लगता है सर्किल वाले को एक बार आप देख लीजिए कि क्या उसमें से कुछ दो चार क्वेश्चन लपेटे में आ रहे हैं क्या अगर नहीं भी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए जो सही है उसी के भरोसे चले क्योंकि तैयारी जितनी है उसी के अनुपात में सफलता का दर तय होता है लेकिन परीक्षा में प्रश्न तय करता है कि आपकी तैयारी क्या है इसलिए प्रश्न ही बताएगा तैयारी क्या है तैयारी नहीं बताती तैयारी क्या है इसलिए कोई भी प्रतियोगी न दबाव लेगा और न प्रभाव लेगा न परीक्षा के बहुत प्रभाव में आना है ठीक है ये तो एक प्रक्रिया है ना भैया ये तो तैयारी है इसमें क्या प्रभावित होना अगर मैं देश के प्रधानमंत्री से प्रभावित हो जाऊंगा तो क्या करना है मुझे और देश के प्रधानमंत्री से मैं दबाव भी ले लूँ तो क्या करना है हमको अरे भैया वो प्रधानमंत्री का काम करें हम पढ़ाने का काम करें ना प्रभाव का मसला ना दबाव का उनकी पॉलिसी अगर मुझको ठीक लगती है तो मैं कहूँगा यार बड़े अच्छे हमारी सरकार है तो अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके बारे में क्या करेंगे आप अगर क्वेश्चन आ रहा है तो प्रभावित होंगे ना और नहीं आ रहा है तो दबाव महसूस करेंगे जो बिल्कुल नहीं आ रहा है जो आपकी ज़िंदगी में कोई मतलब ही नहीं है ना प्रभावित होइए ना दबाव महसूस कीजिए उसको आप सोच अच्छा एक चीज़ बताइए सौ सवाल है रजू क्यों चला सौ सवाल में अगर पचास से ऊपर तिरपन चौवन बावन कभी कोई ऐसा जाता है मेरे पचपन मैक्सिमम चलो ले लेते हैं एक सौ दस नंबर होगा अगर इतना सही कर लें और दस गलत कर दें तो एक तिहाई कट गया पचपन सही कर लें पंद्रह गलत कर दें तो पचास हो जाएगा पचपन सही कर लें पच्चीस तीस गलत कर दें तो पैंतालीस हो जाएगा अच्छा अब आप जरा सोचिए कि गलत के कारण आपका सिलेक्शन रुक रहा है कि सही के कारण सही तो आपकी यही ही है लेकिन आप कह सकते हैं कि सर इतना गलत किए हैं तभी तो इतना सही किए हैं है ना यहां पर सही ज्यादा और गलत कम होगा तो वो ब्याज के साथ वो कहते हैं ना उस पर एक रेपो दर उसका बढ़ा ही रहेगा राजू पचपन सही करके गलत करेंगे तो तब नीचे आ जाएंगे मेरिट को हो सकता है भाई जाए चौवन पचपन मेरिट लेकिन साठ कर लें सही और बीस गलत कर दें तब भी सात क्वेश्चन माइनस करें तब भी तिरपन रहेंगे अगर आप साठ बासठ सही कर रहे हैं तब अगर बीस गलत कर रहे हैं तब तो वाजिब है लेकिन आप पचास सही करके बीस तीस गलत कर रहे हैं तब तो आप किस घट लगेंगे पता ही नहीं चलेगा इसलिए ध्यान किस पे देना है इस पर जो नहीं आता जिस जैसे हम लोग बाजार जाते हैं कभी जो किसी को तो बिल्कुल जानते ही नहीं है तो उसको न नमस्ते करते हैं न हाय हेलो करते हैं न कुछ उनसे ना उम्मीद करते हैं न मिलना चाहते हैं छोड़ दिए ना एक होता है आपका मित्र मिल जाता है और भाई क्या हाल चाल है करने लगते हैं एक होता है यार इस आदमी को कहीं देखा है तीन तरीके ख्याल हुए कि नहीं एक अनजान है बिल्कुल एक इसको कहीं देखा है और एक आप बिल्कुल आप जान पहचान तो जान पहचान वाले कितने मिले वो ज़्यादा मिलने चाहिए उसमें विश्वास है उसमें अपेक्षा है उसमें सही है उसमें संभावना है और जो सोचते रहेंगे उसमें टाइम जाता है सोचिए ना खड़े होकर झोला लेके आलू लेने आए और सोच रहे हैं यार इस आदमी को हमने कहीं देखा है अच्छा तुम पहले वहाँ सब्जी लगाते थे क्या हाँ साहब मैं तो पहले वहाँ लगाता था ये पता करने में कितने क्वेश्चन का टाइम चला गया उसको बात के लिए रखो कि अगर बचेगा टाइम है ना सरप्लस टाइम होगा तो लौट आएंगे और जिस जिस रास्ते जाना नहीं उसका गली का पता क्यों पूछना जो कंफ्यूजन वाले हैं बच्चा उस पर रिवर्स गियर लगा लेना जो बिल्कुल सुझाई नहीं दे उसको क्रॉस कर देना क्रॉस इसलिए क्वेश्चन में कर दिया करो उस क्वेश्चन आगे बड़ा सा क्रॉस मार दो कि इस पर झांकेंगे नहीं नहीं बाद में पन्ना पलटोगे तो सोचोगे चौथा देखना था कि पांचवा और जिस पर तुम गोला मारे रहोगे उसमें पता ही ये कन्फ्यूजन वाले और जिस पर टिक है उसको भी नहीं देखोगे क्योंकि वो तो गोलिया चुके हो आप एंसर सीट में टाइम बचाने का एक मैं तरीका बता रहा था ठीक इस समय इस एक हफ्ते में एक तो पढ़ी हुई चीज पढ़नी चाहिए करंट अफेयर्स नया मतलब अखबार आप बंद कर दीजिए पढ़ना मत पढ़िए अखबार मैगजीन साइड लगा दीजिए टीवी मत देखिए व्हाट्सअप फेसबुक बंद कर दीजिए वैसे आज देख लीजिए आज बोल रहे हैं थोड़ा हमारा भी काम हो जाएगा कॉन्फिडेंस ठीक रहता है ना यार जब ज़्यादा लोग देखता है तो ठीक रहता है ना लगता बात पहुँची है एक दफ़ा आप दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे साहब और जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी उन लोगों के साथ में भाषण होना था तब एक समय अन्ना हजारे जी थोड़ा सा उधर हो गए थे मतलब ममता बनर्जी के साथ तो एक सरकार के विरोध विरोध में कुछ बोलना था वहाँ रामलीला मैदान में 200 लोग आए तो अन्ना हजारे उस मीटिंग में ही नहीं गए तो उस पर भी ममता बनर्जी थोड़ी नाराज हो गई है ना तो बात सुनाने गए थे ना लोगों को जब लोग ही नहीं आए तो क्या जाके सुनाएंगे तो जैसे हम सुना रहे हैं ना तो अगर आप आ जाते हैं तो थोड़ा ठीक रहता है क्योंकि आफ्टर तो ऑल सुनाने किसको हम तो जान ही रहे हैं तभी तो बता रहे हैं भाई हम ना पढ़ाएं तब भी तो हम जानते हैं पढ़ाते हैं तब भी जानते हैं तो पढ़ा किसके लिए रहे पढ़ा तो उनके लिए रहे जो नहीं जान रहे हैं या जो सुनने आए हैं ठीक चलिए उदाहरण क्लियर हो गया तो तीन काम कर लेना यार एक काम कर लेना सही है कन्फर्म टेक कन्फ्यूजन है गोला मान लो दो चार विकल्प हैं दो में कन्फ्यूज हो गोला मार लो दिमाग फिर से ठीक हो जाएगा तब आना ऐसा होता है जैसे एक एक में एक एक पेज में चार क्वेश्चन हैं पहला सही हो गया दूसरा सही हो गया तो तीसरा सही होने कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है अगर पहला गलत हो गया नहीं समझ में आया क्वेश्चन दूसरा भी समझ में नहीं आया तो तीसरा इसलिए नहीं समझ में आता कि बाकी तो समझ में नहीं आए मोरल गिरता है कॉन्फिडेंस गिरता है जैसे चार विकेट गिर जाए सत्रह रन पे तो पचवा उन्नीस रन पे गिर जाता है वो बैट्समैन का भी मोराल गिर जाता है और एक शतक मार के जाए तो दोहरा दूसरा दोहरा शतक मार देता है ये सब मोराल का भी गेम है केवल पिच का नहीं है केवल बॉलिंग का नहीं है केवल क्रिकेटिंग का नहीं है ये मोराल का भी गेम है ये कॉन्फिडेंस का भी गेम है और मोरालिटी का भी है मोरल के साथ मोरालिटी भी तो इसमें क्या होता है जैसे पहला सही दूसरा सही तीसरा चौथा भी अरे पूरा पेज का पूरा क्वेश्चन सही हालांकि आई एस में जनरली कभी कभी एक पेज में एक सवाल रहता है वो हम लोगों के टाइम में डेढ़ सौ क्वेश्चन आते थे अर्थव्यवस्था का सवाल चला एक एक पेज पढ़ते थे तब यार विकल्प होते कहते यार इसको आगे बढ़ो यार ये तो पढ़ने में टाइम खराब कर देगा मैं मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स का रहा स्टूडेंट्स अपने बी एस सी वगैरह इन सब टाइम में पंद्रह क्वेश्चन अर्थमेटिक रीजनिंग वही मैथमेटिक्स टाइप का डेढ़ सौ में हम लोगों के टाइम में आता था डेढ़ सौ पैंतीस क्वेश्चन जनरल स्टडीज पंद्रह क्वेश्चन ये हम कभी उस पंद्रह क्वेश्चन को नहीं करते थे हम करते ही नहीं थे नब्बे मेरिट लानी होती नब्बे नब्बे हम लोग कहते थे नब्बे ऑप्शनल में सही हो जाए और तब तो माइनस मार्किंग नहीं थी और नब्बे जो है सही हो जाए जी में तो हम लोग क्या करते थे नब्बे नब्बे करते थे तो हम एक सौ पैंतीस में नब्बे सही करने जाते थे क्योंकि मैं मैथमेटिक्स के जानकार के नाते यानी कि ग्रेजुएशन वगैरह में बी वगैरह में पढ़ने के नाते ये एक चीज़ सीखा कि मैथमेटिक्स या तो आती है या तो नहीं आती है आएगी या नहीं आएगी ये समय लेके ही बताती है मतलब समय बर्बाद कर देगी तब बताएगी कि नहीं आई और समय बर्बाद कर दी तभी बताएगा तो हम सोचते थे कि नब्बे यहाँ से कर लें उसमें अगर टाइम मिला गया तो घुसेंगे नहीं तो उसको ऐसे ए बी सी डी एनी बडी कैंड डांस ऐसे टिक कर देते थे जहाँ मैथमेटिक्स इकट्ठा मिल जाता था जनरली देखा है लास्ट रोस्ट में कहीं बीच में पेपर में ऐसे इकट्ठा ही आ जाता था तो उसको क्या करते थे 135 सौ से आया 130 से 130 से 132 से ऐसे कर देते थे देखते भी नहीं थे वो वो, वो ले रहा ना एंसर सीट जल्दी जल्दी से मार लो तब माइनस मार्किंग नहीं था आपको ये नहीं करना है तो मैं मैथमेटिक्स का छात्र हो कि मैथ छोड़ता था मैं जोखिम लेता था क्यों क्योंकि मैथ को मैं जानता हूँ ये बहुत टाइम पीता है एक चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना हो तो यार निकालेंगे तभी तो निकलेगा ना अब पता चला जब तक चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तब तक इतिहास के तीन सवाल सही कर देंगे तो कहाँ जोखिम लेना है मुझको समय कहाँ खपत करना है ये कॉम्पिटिशन देखो नॉलेज है बट स्ट्रैटी क्या कहती है इंटरव्यू में आपको ज्ञान जो नहीं पूछा जा रहा है उसका भी है लेकिन क्या वो बताने लगेंगे क्या तो ये एक हफ्ता जो ये आपका क्रूशियल टाइम है ना ये तीन काम करने के लिए है पहला दबाव से मुक्त होने के लिए पहला दूसरा प्रभाव से मुक्त होने के लिए ना परीक्षा से प्रभावित होइए और ना परीक्षा से दबाव महसूस करिए और तीसरा क्या करने की जरूरत है मालूम है तीसरा है कंपटीशन की स्ट्रेटजी बनाने की अब इस स्ट्रेटजी में एक स्ट्रेटजी और जोड़ लीजिएगा जेब में सैनिटाइजर रखने की कि जब भी जाइएगा हाथ हो तो पूछ लीजिएगा और जरा सैनिटाइज ऐसे लेके मेज उज पैसे कर दीजिएगा थोड़ा ठीक अब सरकारी काम तो आप जानते हैं पता नहीं स्कूल की क्या व्यवस्था कहाँ कैसा मामला हो तो आप कहाँ अटकेंगे तो आप सिंपली ऐसे हाथ ऐसा करिए उसके बाद अपना मेज में भी एक आध यार दस बीस रुपया ख़त्म हो जाएगा उस दिन सेनेटाइज़र कोई फर्क नहीं पड़ता अब मुँह में मास्क लगाए रहिएगा ठीक और एडमिट कार्ड निकाल करके कोई चीज़ ऐसे रखी रही उसमें से दबा दीजिए उड़ने न पाए उड़ कर, अगर कहीं किसी के डेस्क के नीचे चला गया तो ऐसे मुंह डाल के जब निकालेंगे तो उसके मुंह के पास आपका मुंह पहुंच जाएगा बहुत गिरता रहता है एडमिट कार्ड गिरता है और ढलान पे पेन हो तो पेन ऐसे लुढ़क करके गिर जाती है तो पेन को भी ठीक ऐसे रखिए कि लुढ़के ना हालांकि पेन हाथ में रहेंगे लेकिन मान लो ऐसी कोई स्थिति आ गई और उस एडमिट कार्ड को भी दबा दिया अगर घड़ी पहने हुए तो घड़ी उतार के ऐसे रख दीजिएगा एडमिट कार्ड पर दबी भी रहेगी घड़ी देखते भी रहेंगे ठीक और पानी मत पीजिएगा जो पानी ले घूमते रहते पानी पुनी कहाँ पीएंगे नवंबर में वैसे भी अक्टूबर में चार तारीख को ठीक रहता मामला क्योंकि गिलास कैसा है पानी कहाँ से आ रहा है उस सब चक्कर में मत फंसीएगा दो घंटा सब्र कर लीजिएगा जरूरत पड़े तो मैं वैसे तो बोलता हूं लेकिन यहां भी बोल देता हूं टॉयलेट जाने से समय खराब होता है क्योंकि जब तक टॉयलेट से सवा मिनट में जब एक सवाल है तो पाँच मिनट के टॉयलेट में आप जोड़ लीजिए चार सवाल सही हो जाते हैं टॉयलेट जाना नहीं है बीच में एक तो समय बचेगा दूसरा कोरोना का जो खतरा होगा वो भी कम होगा तीसरा इन्विजिलेटर को बोलिएगा भैया हमको यहीं छोड़ दो तो साइन कर देंगे हम ले लेना थोड़ा सा आप भी पंक्चुअल रहिए एग्जामिनेशन हाल में ये कोई हाई स्कूल इंटर के एग्जाम तो है नहीं कि कोई पुर्जी निकाल के नकल कर रहा है ये तो यार खुला एक कॉम्पिटिशन होता है इसमें कोई ऐसा घाल मेल का कोई चक्कर तो होता नहीं है तो भी हो सकता है वहाँ सारी व्यवस्था हो लेकिन अपनी तरफ से भी ये करके जाइएगा क्योंकि आप अगर हेल्दी रहेंगे तो जग जीतेंगे और बीमार रहेंगे तो दुनिया हार जाएंगे तो बीमारी में दुनिया हारता है आदमी और स्वस्थ रहता है तो जग जीतता है और यह परीक्षा उसी दुनिया उसी जग की एक कहानी है कई लोग कलेक्टर नहीं बने तो क्या जिंदगी ही नहीं चली क्या यार दे? अरे कलेक्टर तुम्हारा उबाल है तुम्हारी कैरियर की सोच है जीवन ऐसा रचो कि कलेक्टर उसमें छोटा पड़ जाए क्यों दबाव लेते हो क्यों इतना प्रभाव महसूस करते हो नेवर क्या समझे आलोचना तो बड़े बड़े कितने सिकंदर की नहीं होती क्या सिकंदर और पोरस को खड़ा कर दो तो सिकंदर को हम कमजोर मानते हैं पोरस को मजबूत मानते हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी को खड़ा कर दो भले ही तराइन के द्वितीय युद्ध में ग्यारह सौ बानवे में, में पृथ्वीराज चौहान को उसने हराया हो लेकिन साफ साफ तुरंत हम लोग कह देते हैं कि इक्यानवे के युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान ने भी हराया था और वो तो छोड़ दिया वो तो दगाबाजी किया बोलते हैं कि नहीं बोलते फिर जीतने की कोशिश करो अगर हार जाओ तो ढंग ऐसा रखो कि लोग उस हार में भी तुम्हारी ईमानदारी को तरासें तुम परीक्षा ऐसे दो कि तुम्हारी कोशिश कम ना लगे तुम अपने हिस्से का जो प्रयास है उसमें कोई कमी ना छोड़ो देखो चला हम लोग जो बच्चे लोग हैं उनके लिए बोल रहे हैं हम लोग भी बहुत टाइम हो गया उम्र होती जा रही तो ऐसे ही बातचीत होगी अभी दस साल बाद में कुछ और बोलने लगूंगा अड़बड़ सड़बड़ और होने लगेगा क्योंकि मैं तीस साल का थोड़ी हूँ यार कि तुम्हारी तरह ऐसा करूंगा मेरा तो अपना हिसाब हो गया है ना अठारह साल से पढ़ाते पढ़ाते क्या हिसाब हो गया होगा हाँ हिसाब अलग हो गया होगा ना तो इस हिसाब में आ, पाती पाती का मतलब एक एक लाइन का हिसाब होगा एक एक क्वेश्चन का हिसाब करके आओ और बच्चा पॉइंट थ्री थ्री से बाहर होते हैं लोग पॉइंट थ्री थ्री अंक पॉइंट थ्री थ्री समझते हैं ना पॉइंट थ्री थ्री मिलता नहीं है पॉइंट थ्री थ्री कटता है मिलता दो नंबर है कटता पॉइंट थ्री है थ्री थ्री लेकिन मिलता दो नंबर है एक क्वेश्चन पे, दो नंबर मिलेगा पॉइंट थ्री थ्री का मतलब जो एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो इस हिसाब से कटेगा और वो पॉइंट थ्री थ्री हमें राउंड के चला जाता है दो नंबर कितनी बार आप ला करके हिम्मत बढ़ाते हैं एक पॉइंट थ्री थ्री आता है और एक मतलब दीमक का काम कर जाता है वो तो पॉइंट थ्री थ्री से बचो जैसे दुनिया में झूठ फरेब धोखेबाजों से बचना है वैसे परीक्षा में पॉइंट थ्री थ्री से बचो परीक्षा में टॉयलेट ना जाना पड़े इससे बचो परीक्षा में इन्विजिलेटर ज्यादा समय ना ले आप इसकी कोशिश करो परीक्षा में जो अपरिचित सवाल है अपरिचित सवाल उसको आप नजर ही मत डालो उस पर उस पर आप अपरिचित सवाल पढ़ते ही लगेगा अपरिचित है भाई भाई बस भैया बस ये नहीं कि विकल्प पढ़े देखें क्या पता क्या पता अरे यार अपरिचित आदमी पे कितना विश्वास जो थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है उस पर करो जो क्लियर है पहले उसको करो और हर दो सवाल में एक सही होगा एक गलत होगा तीन सही होंगे दो गलत होंगे ये चलता रहता है क्रम चलने दो चलने दो चलने दो बाद में गिना पचास पचपन तो हमने सही कर लिया बोले दो तीन कन्फ्यूजन वाले देख लेते हैं जो दस पांच टू कन्फ्यूजन उसमें भी एक दो लिए बस हाँ ठीक है भाई अब प्री में कोई टॉप नहीं करता पचहत्तर सही करने मत चले जाइएगा प्री जानते हैं कोठारी समिति की रिपोर्ट आई थी जब जिसके आधार पर 1979 में पहली बार सिविल सर्विसेज में प्री आया था उनका अंग्रेजी में पढ़ेंगे जो हिंदी में बता रहे हैं धूर्तों को छांटने के लिए प्रारंभिक परीक्षा होनी चाहिए धूर्त किसको बोलते हैं मालूम है धूर्त वो होता है जो फार्म तो भरता पढ़ता नहीं है तो धूर्तों को छाटने के लिए प्रारंभिक परीक्षा होनी चाहिए फार्म इतना लोग भर दे रहा है कमीशन में और कौन अच्छा आदमी कैसे पता चलेगा एक होता है फार्म छाती में ठूस दिए यूपीएससी में पढ़े नहीं चले गए एडमिट कार्ड लेके तो उनको छांटने का ये सिलेक्शन का एग्जाम नहीं है चेला एक चीज ध्यान रखना यूपीएससी जो प्रिंस कराता है ये छटनी करने का स्क्रीनिंग एग्जाम है मुख्य परीक्षा सेलेक्ट करता है जब मुख्य परीक्षा दो कौन अच्छा लिखा है कौन अच्छा सोच रहा है कौन अच्छा निबंध लिखता है कौन अच्छा विचार वाला है तो प्री परीक्षा निगेटिव एग्जाम है निगेटिव मीन छाटता है और मुख्य परीक्षा सेलेक्ट करता है तो बस इतना काम कर लो छंटो ना एक उदाहरण देते हैं हम लोग कक्षा सात आठ में पढ़ते थे तो कोटा से चीनी लेने जाते थे गांव में जो कोटा होता था तो कार्ड पर जो राशन कार्ड होता उसमें चीनी मिलता था तो किसी दिन स्कूल की छुट्टी करके चीनी लेने जाना होता था वो भी 10-12 किलोमीटर दूर साइकिल चला के सीट पे नहीं बैठ पाते थे तो कैंची मार के जाते थे अंदरवा से पैर डाल के और सड़क क्या हाल रहा होगा समझ ही लीजिए कभी कभी गिर भी जाते थे तो जाते समय तो थोड़ा तेज चलाते थे गिर उड़ गए तो कोई बात नहीं लेकिन जब चीनी ले लौटते थे ना तो दुगना टाइम लगता था सड़क अगर गड्ढा है तो उतर जाते थे कि अगर चीनी सहित गिर गए और चीनी यहीं धूल मिट्टी में चली गई तो सारा मेहनत डांड हो जाएगी जो घर में पड़ी पड़ेगी उल्टा तो कहाँ सावधानी लेना है जाते समय गिरने का डर नहीं और आते समय जब आप पढ़ते हैं तो चाहे जैसे पढ़े हों परीक्षा हाल में चाहे जैसे का मतलब चाहे लेट के पढ़े हों बैठ के पढ़े चाहे जैसे पढ़े हों लेकिन परीक्षा में चेतना के साथ चारवाक ने क्या कहा है चेतना ही आत्मा है क्या समझे चेतना ही आत्मा है चेतना वाला ही चेतना और जीतना सिक्के के दो पहलू ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं चारवाक ने नहीं कहा है चेतना जो चेतना है जिसमें उसी में जीतना छुपा हुआ है तो अब पढ़ाई के प्रति चेतना की बात हम नहीं कर रहे हैं समय के प्रति चेतना कौन सा प्रश्न आपको अटकाएगा लेकिन उत्तर दें ही देगा उसकी चेतना कौन सा प्रश्न कंफ्यूज करेगा समय बचेगा वापसी कराएगा उसको लेकर चेतना कौन से सवाल सही है उसको निपटाते हुए निकल जाना और यह चेतना कि यह परीक्षा सिर्फ छाटने की है हमें छटना नहीं है इसकी चेतना और हमें अपना टाइम को सिर्फ कंक्लूड इंक्लूड इसी में करना है मैं आपको और एक उदाहरण दूँ हम एलएलएम जब कर रहे थे तो तीन घंटे का पेपर आता किताब मिलती नहीं है यार उसकी बड़ा रिसर्चर टाइप का पेपर को अमेरिका का संविधान का कुछ कोट कर दिया उसी पे लिखो तो चालीस पेज लिखते थे किसी में नौ सवाल का जवाब किसी में छः सवाल ऐसा रहता था और आपको मैं बता देना चाहूँगा मैं एलएलएम में सेवेंटी फाइव परसेंट मार्क्स है मेरा और हिंदी मीडियम में मैं एल का टॉपर भी हूँ अंग्रेजी में किताबें आती लोग हिंदी में आती भी नहीं मैं आपको बताऊं कि जो जब हम लिखते थे तो हमारे कुछ साथ के लोग जैसे ढाई घंटे में निकल गए पौने तीन घंटे में निकल गए तो बाहर वो कहते थे यार तुम लिखते क्या हो उसमें पेपरवा में लिखते क्या हो इतना हमने कहा यार हमारा पूरा ही नहीं होता है हमको दस मिनट और मिल जाए तब भी हम चलता रहे हमारा तो जब रिजल्ट आता था तो नंबर हम आगे रहते थे देखो ऐसा है आप ढाई घंटे में पेपर क्यों पूरा कर रहे हो जब आपको तीन घंटा मिला है तो आप जरा चेतना लाओ ना चेतना जीतना आप तो आधा घंटा क्यों कर रहे हो भाई पचास ओवर का मैच है और दो सौ रन बनाना है तो तुम बीस ओवर में क्यों रन बना रहे हो तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर रुके रहेंगे तो कुछ चीजें आपको अपील करेंगी लोगों को समझने के लिए कई बार मुलाकात करनी पड़े कभी कभी एक क्वेश्चन है नहीं इस बार आए लौट के आए तब समझ में आ गया आता है ये छोटा मगज होता है ना ये नाना पटेकर बोला यहां भी कुछ चीज रहता है इसको भी आने दो बाहर ठीक है ना तो पेपर पर कॉन्सनट्रेट करिए टाइम बचाइए और टाइम के साथ क्वेश्चन पे रहिए कंसिस्टेंसी कंसंट्रेशन आपका छूटते छूटते को भी कब्रप करता है ये मैं तजुर्बे की बात बता रहे हैं ठीक है ना जब जैसे हम ही अब आजकल कई कर चीजें करते रहते हैं नहीं समझ में आता मान लो कोई चीज नहीं समझ में हम रुक जाते हैं थोड़ा सोचते हैं क्या ये हो सकता है क्या थोड़ी देर में देखते हैं छोड़ो यार दूसरा काम करते हैं। दोपहर के बाद वो बिना कोशिश के ही वो हो रहा है इसका मतलब है कि थोड़ा कहीं रहा होगा तभी ये हो रहा है तो आप कंफ्यूजन में रिवर्स केयर लगाना अपरिचित में क्रॉस ऐसे जैसे बिजली के पोल पे क्रॉस रहता है ना छूना ही नहीं है ठीक है तो ये स्ट्रेटजिकल थोड़ी सी बातें मैं इंटरटेनिंग जो भी सिंपली सरल गवई स्तर पे जहाँ पे जैसा जुड़ पाया जिस हिसाब से बता दिया मुझे अच्छा लगता है ऐसा बोलना क्योंकि मुझे बहुत ही रेडीमेड कल्चर या बहुत ही फैक्ट अब तो कोरोना ने तो हमारा विचार भी बदल दिया है कि भैया एक्चुअल में रहो फैक्चुअल में रहो कंसेप्चुअल रहो लेकिन वर्चुअल मत रहो दिखावे उखावे की जिंदगी सब दो कौड़ी की है ठाट से जियो शान से रहो और जबरदस्त तरीके से अपने लक्ष्य को भेजने का प्रयास करो ये एक हफ्ता बेटा मैं पढ़ने के लिए तुमको आया ही नहीं था आज मुझे लगा संडे है अगला संडे तुम्हारा पेपर होगा तो कुछ बोल देते हैं बोल दिए कुछ काम का होगा ले लेना और ऐसा बोला हूँ कि उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि काम का क्या है नहीं काम का क्या है कुछ सोचना नहीं है अपने आप चिपक जाएगा लोहा है चुंबक के पास ले जाओ पता ही चल जाएगा लकड़ी है कि लोहा है तो डोंट वरी वी हैप्पी मस्त रहो स्वस्थ रहो और बिना दबाव और बिना प्रभाव के रहो प्रभावित देखो एक उदाहरण दे के ख़त्म कर देते हैं बात पहले रवीन्द्रनाथ टैगोर को लोग क्या बोलते थे गुरुदेव तो वो क्या बोले हैं अए किसान तू सच ही सारे जगत का पिता है वो जगत का पिता पिछले तीस साल से चार लाख लोग फांसी लगा चुका तो गुरुदेव ने जो बोला रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा किसान तो सच ही सारे जगत का पिता है वो अपने बच्चों का पिता के रूप में जीवित रह ले यही उसके लिए चुनौती हो गई जगत का तो छोड़ दीजिए ठीक है सर्वपल्ली राधा कृष्णन वगैरह को देखिए जिनके नाम पर शिक्षक दिवस होता है 5 सितंबर को ये हो तो जाता है लेकिन उस आदर्शों पे चलता कौन है आपने देखे होंगे कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई चंपारण की महिलाओं ने जब वहां गए आ, बिहार में तो जो नील की खेती क्या क्या सारी कहानी है मान लो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई ऐसे रविंद सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की ऐसे सबको उपाधि दी जाती थी लेकिन आज सारे लोग यशस्वी हैं काम कुछ भी करें यशस्वी हैं ये तो आशीर्वाद होता था यशस्वी भव यशस्वी भव होता था ये आशीर्वाद मिलता था यशस्वी हैं ये तो दूसरे तय करेंगे ना भाई तो पहले के राजा विक्रमादित्य लगा लेते थे अब तो जनता तय करती है कि आप विक्रमादित्य हैं कि आदित्य हैं ठीक है ना तो कमीशन तय करेगा कि आपकी छटाई नहीं हुई है आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए और अपनी स्ट्रेटजी बनाई ये कंपटीशन पढ़ाई के साथ रणनीति का भी खेल है इसीलिए कम समय में भी सिलेक्शन बहुत अच्छा मिल रहा है थैंक यू वेरी मच समय थोड़ा ज़्यादा लिया होगा बट क्या फ़र्क पड़ता है शाम आपकी है तो रात भी हमारी है थैंक यू थैंक यू सो मच